दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडिया और वेस्ट इंडीज के T20 मैचेस की। इस मैच में हमें बहुत गहरी टक्कर दिखने वाली है रोहित शर्मा और कायरन पोलार्ड के बीच। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं इंडियन स्क्वाड की। इस वीडियो में हम सिर्फ इंडियन स्क्वाड की बैटिंग की ही बात करेंगे, किसी और चीज़ की बात नहीं करेंगे। तो ओपनर में है रोहित शर्मा और उनका साथ निभाते हुए दिखाई देंगे हमें शिखर धवन, और एक बैकअप ओपनर के तौर पे केएल राहुल को इस टीम में लिया गया है। तो अब दोस्तों बात करते हैं हम मिडिल ऑर्डर की। विराट कोहली इनका कोई मुकाबला नहीं है, एक युवा बल्लेबाज हैं श्रेयस अय्यर, इनको टीम में मौका मिला है। मनीष पांडे को इस टीम में लिया गया है, इनकी फॉर्म अच्छी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, बहुत अच्छे बैट्समैन हैं ये। ऋषभ पंत को इस टीम में मौका दिया गया है, बहुत ऊंच नीच है इनके फॉर्म को लेकर। तो दोस्तों इंडिया टीम के एक्सपेक्टर की बात करते हैं, तो दोस्तों इंडियन टीम के एक्सपेक्टर हैं विराट कोहली, ये बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, पिंक बॉल टेस्ट में शतक बना के आए हैं। इस बल्लेबाज को तो पहाड़ भी नहीं रोक सकता, बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं ये। वेस्ट इंडीज बॉलर विराट कोहली के बारे में क्या सोचते हैं ये देखते हैं। This is not okay. This needs to stop now. This is cancer. This is so much cancer that I can feel the tumors growing on my back. And it's weighing down heavy on me, and it's not okay. Can you help a nigga out and just stop this? Please? तो दोस्तों प्रॉब्लम की बात करते हैं, इंडिया टीम की प्रॉब्लम क्या है। इंडिया टीम की प्रॉब्लम भी विराट कोहली है और एक्स फैक्टर भी विराट कोहली है। तो विराट कोहली प्रॉब्लम क्यों है, तो शेल्डन कॉटरल की वजह से। वेस्ट इंडीज़ बॉलर शेल्डन कॉटरल विराट कोहली के आमने सामने में सिर्फ 9 गेंदों में 2 बार आउट कर चुके हैं। दुविधा देते हैं बहुत विराट कोहली को ये गेंदबाज, और इनका स्टाइल भी बहुत अच्छा है सल्यूट मारने वाला। तो दोस्तों दूसरी प्रॉब्लम ये है ऋषभ पंत फॉर्म में नहीं है दोस्तों, ऋषभ पंत को फॉर्म नहीं आ रही है। ऋषभ पंत की फॉर्म वापस लाने के लिए इनको लोअर क्रिकेट पे भी भेजा था, फिर भी उनकी फॉर्म वापस नहीं आई, बहुत जूझ रहे हैं अपनी फॉर्म से। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगली वीडियो में आवाज़ थोड़ी अच्छी होगी, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।